एडम द लेजेंड ऑफ ब्लू मार्वल के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टोनी स्टार्क जो है ये पता लगाने में लग जाता है कि आखिरकार ये एंटी मैन और ब्लू मार्वल का क्या चक्कर है, और उसको कुछ फाइल्स खोजने के बाद पता चलता है कि डमडम डुगन भी इस बात में शामिल था जब ब्लू मार्वल को वहाँ से निकाला गया था प्रेसिडेंट के जरिए। तो डमडम डुगन से थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद डमडम डुगन एक पुराने डॉक्टर और साइंटिस्ट का उसका एड्रेस दे देता है, और वहाँ जाने के बाद टोनी को बहुत सारी बातों का पता चलता है और साथ में उसके घर के बारे में पता चल जाता है। और टोनी स्टार्क जब उसके घर पर पहुँचता है तो वहाँ पर उसकी वाइफ होती है, और टोनी स्टार्क उसकी वाइफ को ये बात बताता है कि वो भी एक सीक्रेट एजेंट है और इसके बारे में शायद अभी तक किसी को भी नहीं पता था। और हम बेसिकली देखते हैं कि उसकी वाइफ कॉल करती है एडम को, जो कि इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्लास ले रहा होता है, और बोलती है कि तुम जल्दी से घर पे आ जाओ, वो तुम्हारी तलाश कर रहे हैं। अब आगे फिर हम यहाँ से दोबारा शिफ्ट होते हैं पेंटागन के अंदर, वर्जीनिया, नवंबर 1962, और हम देखते हैं कि वहाँ पे दो लोग बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनरल मैसन कि आप इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर यहाँ पे आए। तो बोलता है कि ये आपने मुझे ऑफर ही ऐसी करी थी कि मैं उसको टर्न डाउन कर ही नहीं सकता था, कि हमारे हाथों आप बहुत सेंसिटिव प्रॉब्लम लगी हुई है और हम आपकी मिलिट्री इंटेलिजेंस को सच में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो वो बोलता है कि आप ये बताइए कि मेरे लिए क्या ऑर्डर्स हैं। तो बोलता है कि ये फाइल सीधा ऊपर से आई है, आपको उसको पढ़ना होगा, हमें जो है उसके ऊपर नज़र रखनी होगी। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक मीटिंग चलती है और वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों ने इसको चूज़ क्यों करा है। तो वो बोलता है कि मैंने उनकी बातों से ये अंदाज़ा लगाया कि वो वाइट है, तो शायद इसलिए उन लोगों ने इसको चूज़ करा है। और बोलता है, उसमें से एक आदमी बोलता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो यहाँ पे बहुत गलत कर रहे हैं, वो एक अमेरिकन है, अगर इन लोगों को उससे इतना ही डर लगता है तो क्यों ना वो उसको अपने पास रख लें और उनको अपनी नज़रों के सामने रख के उससे काम वगैरह भी करवाएं। तो दूसरा एजेंट बोलता है कि अच्छा, और अगर उससे मना कर दिया फिर हम उसको क्या बोलेंगे। और हम बेसिकली देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका कुछ एजेंट जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो, तुम किस तरह से एजेंट बनी, ये सब चीज़ें। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये वही मिस फ्रेजियर हैं जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो बेसिकली ये एक एजेंट होती है और इसको जो है एडम की लाइफ में यानी जानबूझ के घसीटा गया होता है ताकि वो लोग उसके ऊपर सारी ज़िंदगी नज़र रख सकें, क्योंकि एडम भले जो है अपनी ब्लू मार्वल की ड्यूटी से रिटायर हो गया हो लेकिन वो सुपर पावर्स अभी भी उसी के अंदर मौजूद थी। तो इस बात से ये लोग डरते थे, इनकी गवर्नमेंट डरती थी, तो इसलिए इन्होंने बेसिकली एक अंडर कवर स्लीपर एजेंट बनाया और उसकी ज़िंदगी में डाल दिया। और हम यहाँ से दोबारा शिफ्ट होते हैं प्रेजेंट डे के अंदर, जहाँ पर एडम घर पर आता है और बोलता है कि तो तुम मुझसे कह रही हो कि इतने ज़िंदगी हमने जो गुजारी एक साथ वो तुम्हारा सिर्फ एक असाइनमेंट था, मैं सिर्फ एक बंदर था जिसको तुमने अपने एक जाल के अंदर कैद करके रखा हुआ था ताकि तुम लोग मुझ पर नज़र रख सको। तो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत की बात है, लेकिन उसके बाद मैं तुमसे सच में प्यार करने बैठी थी और हमारी बाकी की सारी ज़िंदगी हकीकत थी। तो एडम बोलता है कि क्या कभी तुमने सच में मुझसे प्यार भी करा है। तो बोलती है कि हाँ बिल्कुल एडम, ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ शुरुआत की बात थी। तो एडम बोलता है कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना, मैंने सही कहा ना, मुझे इस बात पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि गवर्नमेंट ने मेरे पीछे इस तरह के एजेंट्स लगा दिए, मुझ पर नज़र रखने की इतनी हद तक कोशिश करी जबकि मैंने उनकी हर एक बात खामोशी से मानी और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करा, कि मुझे पूरी ज़िंदगी अंडर सर्विलियंस रखा गया, वो भी मेरी अपनी वाइफ के जरिए। तो फ्रीजियर बोलती कि एडम प्लीज़ मेरी बात सुनने की कोशिश करो। तो बोलती कि जब मुझे भर्ती किया जा रहा था तुम्हारे ऊपर नज़र रखने के लिए तो मैंने तुम्हारे बारे में हर वो किताब पढ़ी जो कि किसी ने भी लिखी थी, और मैंने अपने असाइनमेंट को समझने की कोशिश करी, उसमें से बहुत सी चीज़ें तो मुझे समझ में आ गईं और बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आईं, और उन लोगों ने फिर मुझे जो है तुम्हारे घर के बराबर में एक नेबर बना के भेज दिया। तो एडम बोलता है कि मतलब उस दिन जब हम मिले थे पहली बार तो तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी, वो सिर्फ एक नाटक था। तो वो बोलती है कि मुझे ये सब करना ही पड़ा, मुझे तुम्हारी अटेंशन लेनी थी, मुझे तुमसे बात करनी थी और मेरा क्या असाइनमेंट था। तो एडम बोलता है कि मुझे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा है कि मुझे इतने सालों से पागल बनाया गया है, मैं समझता था कि हम दोनों शायद सच में कुछ हैं, हम दोनों के बीच कुछ स्पेशल है। तो वो बोलती है कि हाँ हमारे बीच वो सब कुछ है, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपनी कंट्री से भी उतना ही प्यार करती हूँ और मुझे अपने कंट्री के ऑर्डर्स भी मानने थे। एडम बोलता है कि हम इतने सालों से साथ रह रहे हैं, भले तुम ड्यूटी पे थी या नहीं थी, तुम मुझे कम से कम एक बार बता तो सकती थी ना, तुम्हें मुझ पर इतना तो भरोसा होना ही चाहिए था ना। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं तुमसे ये बात कैसे करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि तुम्हारे ऊपर क्या असर पड़ेगा जब तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारी लवर एक अंडर कवर स्पाई है और वो तुम पर सारी ज़िंदगी से नज़र रख रही है, और मुझे नहीं अंदाजा था कि मेरे कुछ वर्ड्स के जरिए कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी। और बेसिकली हम वहाँ पर पुराने सारे फ्लैशबैक देख रहे होते हैं कि किस तरह वो एडम की ज़िंदगी में आई, उससे क्लोज वगैरह हुई और सारी इन्फॉर्मेशन दे जाके जो है अपने बड़े अफसर वगैरह को दे रही होती है, और बेसिकली वो उस तरह इससे शादी कर लेती है, मतलब उसको जो है टोटल निगरानी में रखा गया था एडम को ताकि वो कोई भी गलत कदम ना उठाए या फिर अगर वो कोई कदम उठाने की सोचे भी तो गवर्नमेंट को उसके बारे में सब कुछ पहले से पता हो। और बताती कि ये सिर्फ शुरुआत की बात है क्योंकि शुरू के 18 महीने थे जिसमें मैंने उन लोगों के लिए काम किया, उसके बाद ना उन लोगों ने मुझे कभी कांटेक्ट किया ना मैंने उन लोगों से मिलने की कोशिश करी, क्योंकि मैं जो ज़िंदगी गुजार रही थी अब मैं उसमें खुश थी, मैं तुम्हारे साथ खुश थी। प्रेसिडेंट कैनेडी को असैसिनेट किया गया, उसके बाद वो ऑपरेशन ख़त्म कर दिया गया है, और मुझे भी ऐसा लगने लगा कि अब ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, तो इसलिए मैं भी अपनी नॉर्मल लाइफ तुम्हारे साथ गुजारना शुरू कर दी।
तो बोलता है कि तुम्हें पता है इतने सालों से मैंने इतनी चीज़ें बर्दाश्त करी हैं जो तुम सोच भी नहीं सकती हो, इतनी इंसल्ट, इतनी हेट, जबकि मैं लोगों के साथ हमेशा अच्छा करता था, लेकिन मैं इस सब के साथ भी जी लिया। और मुझे पता था कि एक औरत है जो घर में मेरे रहती है, जो मुझसे प्यार करती है, जिससे मेरी शादी हुई हुई है। सिर्फ एक यही रीज़न था जो कि मुझे रोज़ाना हिम्मत देता था उन लोगों से फेस करने के लिए। और अब तुम मुझसे कह रही हो कि वो सब एक नाटक था? तो वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरे लिए इतना आसान था? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है, अपनी पूरी फैमिली को, सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए यहाँ पे आई हूँ, कि ये मेरे लिए इतना आसान था? मुझे जो है ये बात हर रोज़ मारती है कि मैं तुम्हारे साथ जो ज़िंदगी गुजार रही हूँ वो एक झूठ है। मैं तुमसे हमेशा ये कहती रही कि मैं एक ऑर्फन थी, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को आज तक दोबारा देख भी नहीं पाई हूँ। ये बात जो है मुझे रोज़ मारती है, क्योंकि सिर्फ इसीलिए कि मैंने एक डैम असाइनमेंट ले लिया था जिसके ज़रिए अब मैं अपने किसी भी प्यारे से नहीं मिल सकती थी दोबारा। लेकिन जो चीज़ मैंने हासिल करी वो थी तुम्हारी फैमिली, मतलब तुम्हारा प्यार, तुम्हारे साथ रहना। इन चीज़ों ने मुझे यहाँ पर रहना सिखाया है। प्लीज़ अब तुम्हें जो भी करना है, लेकिन प्लीज़ मुझसे ये सब मत छीनना, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है तुम्हारे अलावा। और हम देखते हैं एडम जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है इस वक्त, और उसकी बात नहीं सुनता है और घर से बाहर निकल जाता है। और वो कैडेंस जो है इसको रोकने की कोशिश कर रही होती है, तो एडम बोलता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो बोलती कि क्या? तो एडम बोलता है कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा असली नाम क्या है। तो बताती कि मेरा असली नाम मैरलिन फ्रेजियर है। और एडम जो है ये बात सुनने के बाद वहाँ से उड़ता हुआ चला जाता है। और उसके कुछ मिनटों बाद हम देखते हैं कि एडम जो है बेसिकली चांद के ऊपर बैठा हुआ होता है, मतलब मून के ऊपर बैठा होता है अर्थ के, और वो बोल रहा होता है मैं ये बात भूल गया था कि वो कितनी खूबसूरत नज़र आती है, यहाँ से बैठने के बाद वो कितनी ज़्यादा सिंपल नज़र आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लुक्स जो हैं कभी ना कभी किसी ना किसी को गुमराह कर ही देते हैं। अब मुझे इन चीज़ों पर बिलीव नहीं रहा। ओह ये इसको तो मैंने जब से नहीं देखा जब से मैं, और हम बेसिकली देखते हैं कि वहाँ पर से आवाज़ आती है कि ये बिल्कुल वहीं पर है जहाँ तुम उसको छोड़ के गए थे। और हम बेसिकली देखते हैं कि यहाँ पर ब्लू मार्वल से जो है वॉचर, यानी ओआरटू द वॉचर बात कर रहा है। जबकि गाइस आपको ये बात पता होगी, द वॉचर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मार्वल यूनिवर्स के अंदर, और वो आज तक कभी किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है हर चीज़ को। कि वो हम यहाँ पे बेसिकली देख रहे हैं कि वो ब्लू मार्वल से आके बात कर रहा है, और उसकी बात से ऐसा लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। तो एडम पूछता है कि तुम मुझ पर यहाँ नज़र रखने के लिए आए हो? बोलता कि नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए आया हूँ। तो वो बोलता कि जो भी हो ये बताओ कि तुमने क्या क्या देखा। तो वॉचर बोलता कि मैंने इतना देख लिया है कि मैं ये जान चुका हूँ कि वो एक ह्यूमन है। तो एडम बोलता कि वो चाहती तो मुझसे कह सकती थी, वो मेरी वाइफ थी, वो चाहती तो मुझसे ये चीज़ डिस्क्लोज कर सकती थी, मैं उसके ऊपर भरोसा कर सकता था। एडम बोलता कि मैं समझता था कि मैंने ब्लू मार्वल से अपनी जान छुड़वा ली है, लेकिन वो तो अभी भी पास्ट मेरे पीछे चलता हुआ आ रहा था और मुझे पता भी नहीं चला। तो वॉचर बोलता है कि हाँ, और तुम बिल्कुल ऐसा ही सोचा था तुमने उस वक्त जब हम पहली बार यहाँ पे मिले थे, क्या तुम्हें याद है वो दिन? तो एडम बोलता कि हाँ बिल्कुल, मुझे वो दिन याद है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि हम यहाँ से एक पुराने फ्लैशबैक में जाते हैं 1962 के, जब ब्लू मार्वल को वो प्रेसिडेंशियल मेडल मिला था, तो वो मेडल लेके यहाँ पे सीधा चांद पे आके बैठा था और बोलता है कि द प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम, और उसको वो उठा के वहाँ से फेंक देता है, मतलब गुस्से के अंदर वो यहाँ पे उसको फेंक देता है। तो वहाँ पीछे से आवाज़ आती है कि तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम इस वक्त जो चांद के दो टुकड़े कर सकते थे, ये मेरी रहने की जगह है। तो हम बेसिकली देखते हैं कि वॉचर से सबसे पहले आके इस दिन मिला था, मतलब इतने साल पहले। मुझे अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि अर्थ से 40,000 किलोमीटर अवे मैं एक मून के ऊपर आके बैठा हूँ, और वहाँ पे मैंने देखा है सबसे पहले तो क्या देखा, एक वाइट एलियन जिसके ऊपर एटीट्यूड भरा हुआ है। तो वहीं पे हम देखते हैं कि वॉचर अपना स्किन कलर चेंज करके ब्लैक कर लेता है और बोलता है कि ये बेटर है तुम्हारे लिए। तो एडम बोलता है कि हाँ ये कुछ बेहतर है, और पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन? तो बोलता है कि मेरा नाम वॉचर है, और मैं हर चीज़, मैं यूनिवर्स के इस सेक्टर को जो हूँ ऑब्जर्व करता हूँ, जो भी इवेंट यहाँ पे हो रहा हो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी परमिशन नहीं है कि मैं उसके अंदर एक हाथ भी लगा दूँ, मतलब किसी की मदद कर दूँ। तो एडम बोलता है कि वॉचर हाँ, तो मतलब यह है कि तुम्हें वो बात पता होगी कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? तो वो बोलता है कि हाँ, अफसोस के साथ मुझे तुम्हारी बात पता है। और बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्लू मार्वल और वॉचर जो है अपनी आपस की बातें डिस्कस कर रहे होते हैं, मतलब वो बता रहे होते हैं कि किस तरह से जो है ब्लू मार्वल के साथ गलत हुआ है, वो अपनी कहानी सुना रहा होता है, और इस तरह से वो दूसरी तरफ वॉचर जो है उसको दूसरी लोगों की मिसाल भी दे रहा होता है, क्योंकि उसने जो है इस सेक्टर के अंदर हर चीज़ को देखा हुआ होता है, और वो बताता है कि किस तरह से क्री के लोगों के अंदर भी यही होता है कि इतने सालों से क्री के लोग इसी बात पर लड़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भी दो किस्म के लोग हैं, एक ब्लू स्किन क्री और एक पिंक स्किन क्री। क्योंकि आप लोगों को तो ये बात पता ही होगी, क्योंकि मैंने क्री स्क्रल वाली वीडियो के अंदर ये बात आप लोगों को समझा दी थी। और वॉचर बता रहा होता है कि वो भी तुम्हारी तरह फूल्स हैं, वो भी तुम्हारी तरह एक दूसरे को मार मार के बर्बाद हो रहे हैं, उनकी दुनिया भी ख़त्म होते जा रही है। तो एडम बोलता है कि क्यों ना हम लोग ये कर सकें, मेरा मतलब शायद कॉर्नर सही था, उसका जो मोटिव था वो बिल्कुल सही था, ये दुनिया अब बर्बाद होने की कगार पे है, ये लोग एक दूसरे का एहसास नहीं करते हैं। और हम वहीं पे देखते हैं कि अचानक चांद के ऊपर जलजला सा महसूस होता है। तो ब्लू मार्वल पूछता कि ये क्या है, अर्थक्वेक? तो बोलता कि नहीं, ये तो कुछ और ही लग रहा है, मुझे लगता है कि तुमने अभी अभी जो कुछ काम किए थे उसका बदला लेने के लिए तुम्हारे पास कुछ लोग आ गए हैं। और हम बेसिकली देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा फोर्स, यानी एक अरमाडा आ रहा होता है,
और ब्लू मार्वल बोलता है कि ये तो एक इन्वेजन फोर्स है और मुझे लग रहा है कि ये उसी रेस की है जिसकी एक आदमी को मैंने कुछ टाइम पहले डिफीट करा था। मतलब आपको याद होगा कि ब्लू मार्वल स्पेस में एलियन से लड़ने के लिए गया था और उसने उसको हरा दिया था, तो ये लोग उसी के लोग हैं। तो वॉचर बोलता है कि ये लोग चाहें तो तुम्हारे पूरे प्लेनेट को एनहाइलेट कर सकते हैं, इनके पास इतनी पावर है। तो ब्लू मार्वल बोलता है कि नहीं, जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ तब तक तो नहीं। और इस तरह हम बेसिकली देखते हैं कि ये बात शायद मार्वल यूनिवर्स के अंदर किसी को भी ना पता हो कि एक सीक्रेट इन्वेजन एलियन फोर्स आई थी, लेकिन ब्लू मार्वल क्योंकि उस वक्त चांद के ऊपर था तो उसने उसको अर्थ की तरफ आने से पहले ही ख़त्म कर दिया। और हम यहाँ पर यही देख रहे होते हैं कि ब्लू मार्वल अपनी बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल पावर इस्तेमाल करता है और उस पूरे के पूरे अर्माडा को ख़त्म कर देता है। और यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लू मार्वल की पावर्स कितनी हैं। तो अब यहाँ से हम दोबारा प्रेजेंट डे के अंदर शिफ्ट होते हैं। तो वॉचर बोलता है कि तुमने उस दिन भी उन लोगों को बचाने का सोचा था जब तुम उनसे सबसे ज़्यादा नफरत कर रहे थे। तो एडम बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना था ही ना। तो वॉचर बोलता है कि क्या तुम्हें अब नहीं लग रहा कि तुम्हें दोबारा से उस रोशनी के अंदर कदम रख लेना चाहिए। एडम बोलता है कि अब एंटी मैन जो है वापसी लौट कर आ चुका है और मैं जानता हूँ उसको क्या चाहिए। हमेशा की तरह जो उसको चाहिए था उसको इस बार भी वही चाहिए होगा। तो वॉचर बोलता है कि इस बार ध्यान रखना, हो सकता है कि इस बार उसका मोटिव अलग और वो थोड़ा पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया हो। तो एडम बोलता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अब वो दोबारा से दुनिया के अंदर तबाही नहीं मचाएगा। अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर एक फ्लैश ऑफ लाइट चमकती है और वो लाइट सीधा आके सहारा डेजर्ट के अंदर गिरती है और हमें दिखता है कि बेसिकली वो जो था कॉनर था और वो बोलता है कि मैं लौट आया हूँ। वहीं पर हम देखते हैं टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं शील्ड हेलीकॉप्टर के अंदर और वो बताते हैं कि अभी भी हमारे स्कैनर ने पता लगाया है कि सहारा डेजर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा पावर सर्ज देखा गया है। तो आयरन मैन बोलता है कि ये वही एंडी मैन है रीड, लेकिन हम उसको मोबिलाइज नहीं कर सकते हैं जब तक हम तैयार ना हो जाएं, हम पहले की तरह हार जाएंगे। रीड बोलता है कि हमारे लिए सिर्फ एक यही प्रॉब्लम नहीं है टोनी, बल्कि मैंने पता लगाया है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एक एंटी मैटर स्टॉर्म आ रहा है जो कि अभी शुरू हुआ है। अभी के लिए ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है लेकिन ये कुछ टाइम बाद बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो वहीं पर टोनी बोलता है कि रीड एक वक्त में हमें एक काम करना होगा, हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगले पल उसको पीछे से आवाज़ आती है तो टोनी बोलता है कि रीड मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्योंकि हम वहाँ पे देखते हैं कि एडम रशीद यानी ब्रू मार्वल टोनी स्टार्क से मिलने के लिए आया हुआ होता है और बोलता है कि डायरेक्टर स्टार्क मैंने सुना था कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। टू बी कंटिन्यूड।